लक ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। करता है बाबा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? बच्चू भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बाबा मैं पानी पीने आया था, मैंने देखा कोई है, मैं पीछा करता हुआ यहाँ आ गया। बच्चू भाई मैं काम कर रहा था, बाहर के क्लाइंट है ना उनसे बातचीत कर रहा था और मुझे प्यास लगी तो मैं यहाँ आ गया। अरे बाबा ये रात के इस वक्त कौन सा काम, बाहर दिन है ना। अरे बाबा तुम मुझे गधा समझता है, बाहर किधर दिन है, दिखाओ रात हो रही है। अरे भाई ये वाला दिन बाहर मतलब अमेरिका कनाडा। अच्छा बाबा अच्छा बेटी चक्कर समझ में आ गया। अरे बाबा मुझे रात का काम या ना इस टाइम का काम बिल्कुल समझ नहीं आता है। काम तो काम है, दिन हो या रात हो करना तो पड़ेगा। नहीं बाबा काम का जो ना एक वक्त होना चाहिए बाबा, दिन में काम होता है रात में कोई काम नहीं होता है। अच्छा मैं अब सोने जा रहा हूँ और तुम भी चले जाओ, कोई काम नहीं होगा इस टाइम पे। अच्छा ठीक है बाबा। बात करता है यार, कसम खुदा की दिमाग की दही है वैसे। चलो बच्चू भाई आप तो मुंह हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। बाबा मुंह हाथ धोने की बात नहीं है, तुम चोर है और हम तुम्हारी चोरी पकड़ेगा। चलो जाओ हो जाए यहाँ से। जो कहता है ना वो खुद होता है। अरे बाबा जानी मेरी चाय डोला में, नाश्ता तो शुरू करूं बाबा। अदा तंग करके रखा है। अदा अरे चाहते हो जरीना, चाहते हो बाबा। अदा कल मेरे साथ ना एक अजीब बात हो गई। अरे बाबा क्या हो गया? अदा मैंने कमरे में भूत देखा, वो झांक रहा था और थोड़ी देर के बाद उसके चीखने की आवाजें बाहर से आ रही थी। पापा मैं तो डर के सो गई। ओहो जरीना वो भूत नहीं था, चोर था। अरे पापा तुम भी अजीब बात करती हो, भूत भला शोर क्यों करेगा? शोर चोर ने नहीं मैंने मचाया था। तो भला क्या तुम चोरी कर रही थी? ओहो मैं क्यों चोरी करूंगी, मैंने चोर को देखा तो शोर मचाया था। अरे बाबा चोर नहीं होगा वो, जानी होगा। जानी जानी आ गया जानी, ये ले जी कप आप गर्म गर्म, ये चाय आपके लिए भी। जानी कल रात तुम मेरे कमरे में आए थे
भला बता दिया होता। नहीं भाई, मैं आपके कमरे में क्यों आऊंगा? शायद तुमको भला मुझसे कोई जरूरी बात करनी होती। लो, मुझे कोई बात करनी होगी तो सबके सामने करूंगा। आधी रात को चोरी छुपे आपके कमरे में क्यों? चुप करो जानी बाबा, नाटक नहीं करो, सही सही बताओ। देखिए मैडम, देखिए मैं अभी आती हूँ। मैं भी आता हूँ। जानी बच्चों, क्या हो गया बेगम, क्यों सुबह सुबह आवाजें लगा रही हो बाबा? मैंने ना ये फैसला किया है कि अब हम घर में कैमरे लगवाएंगे। कैमरा बाबा? कैसा कैमरा? सीसीटीवी कैमरा। नहीं बाबा, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कैमरा घर में लगे और सब देखें। ओहो, ये वैसा कैमरा नहीं है, इसमें तो इसमें कुछ भी आता हो बाबा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर वाली लड़कियां जो है ना वो कैमरे पे आए, टीवी पे आए बाबा। अरे बाबा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं टीवी पे नजर आऊंगी, सब देखेंगे। जरीना, ये वैसा कैमरा नहीं है, इसमें बच्चू भाई ये चौकीदारी वाला कैमरा है, आपके घर की हिफाजत होगी। अरे बाबा, तो इससे बेहतर है कि हम चौकीदार ना रख लें। हाँ, ताकि वो सारे घर की सफाई कर जाए। अरे बच्चू भाई, मैं आपको समझाता हूँ। आजकल ये कैमरे हर जगह लग रहे हैं, घर में, दफ्तर में, आप कहीं भी बैठे अपने मोबाइल पे अपने घर को देख सकते हैं। अरे अदा माने भी जाओ ना, देखो ना भला मैं कैमरे में दिखूंगी तो मेरे लिए तो यही बहुत है। लेकिन बाबा, अरे बच्चू भाई बात सुने ना, फर्ज करे आपकी भैंस को चुरा के ले जाए तब? अरे बाबा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो बस ऐसा ना हो, इसीलिए तो कैमरे लगवा रहे। अच्छा बाबा, कहाँ कहाँ लगेंगे कैमरे? पूरे घर की। अरे बाबा क्या बात करता है, पूरे घर में, बेडरूम और बाथरूम में भी? ओ, वो आपकी मर्जी ना, जहाँ लगवाना लगवाएं, जहाँ नहीं लगवाना नहीं लगवाएं, बस मेरे कमरे में तो लगा देना ताकि मैं मेकअप कर करके अपने आप को कैमरे में खुद देखूं। ओहो, ये उस तरह के कैमरे नहीं है। अच्छा बस अब तुम लोग ये बहस छोड़ दो, फैसला हो गया, कैमरे लग रहे हैं। जानी तुम फौरन जाओ और कैमरे वाले को लेकर आओ और फिटिंग शुरू करवाओ। थोड़ा एडवांस दे दो। अरे बाबा जानी, एक बात और बाबा, कमीशन मत रखना उन कैमरों में बाबा, तुम हमेशा यही करते हो। कमीशन और आपसे अल्लाह माफी, हर चीज में ना कमीशन लगता है। तो आप कैमरे लगाते हैं? नहीं नहीं, हम वीडियो बनाते। एक बार आप हमसे वीडियो बनवा ले, लोग वाह-वाह करेंगे। ओहो, मगर वीडियो नहीं बनवानी ना, हमें सिर्फ और सिर्फ कैमरे लगवाने हैं। देखें, एक बार आप हमसे वीडियो बनवा लें, जब आप मशहूर हो जाएंगी तो कैमरे खुद ही लग जाएंगे आपके घर पे। वाह सही वाह, बात तो अच्छी कर रहा है। हाँ, अच्छी बात की है। जानी निकालो उसको यहाँ से। काश मूछों जैसी तुम्हारी अकल भी होती, इतनी बड़ी बड़ी मूछें और काम टकेगा नहीं। चलो चलो, अरे कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं, चल बे चल। तोबा है भाई, तोबा है भाई। बात सुनो, एक काम करें, मैं अपने जानने वाले ले आता हूँ, सस्ते में भी लगा देगा। नहीं बाबा, तुम्हारे जानने वाले को नहीं बुलाना है। क्यों क्यों बाबा? इसलिए कि हमें तो शक है कि तुम था रात में बाबा। ओफो मैडम, देखे ना। अच्छा तो फिर कौन ला रहा है कैमरे वाले को? अरे बाबा मैं जाता हूँ, लेके आता हूँ बाबा। तुम? अच्छा फिर ठीक है, जाऊँ बाबा। और बताए शाम का क्या प्लान? तो वाकई में कमीशन ले रहे थे, बकवास भी करते हो आगे से। अरे बाबा ये क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। तस्वीरें खींच रहा था ना? नहीं 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 भाई। तो बाबा कैमरे से वीडियो बना रहा था? हाँ, वीडियो बनाएगा, काम करता हूँ। अरे बाबा तुम ही को तो ढूंढ रहा था, आओ मेरे साथ। नहीं, मगर भाई डरो नहीं भाई, मेरे साथ चलो, अच्छे पैसे बन जाएंगे। पैसे तो मैं अच्छे से बनाना चाहता हूँ। हाँ बस बात खत्म हो गई, चलो फिर आओ। आज मैं अपना सामान ले आऊँ। हाँ बाबा सामान ले आओ, मंदिर इंतजार कर। मैं आता आता खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। अरे बच्चू, बाबा कोई है घर में? बच्चू बाबा तुम काम शुरू कर दे। अरे बच्चू इतना बदतमीज कैसे हो गया? अब बच्चू बाहर निकल, तू कहाँ है? अरे बाबा तेरी हिम्मत कैसे बुझावे? बाबा जानी आप तुम समझे कि मैं मर गया हूँ है ना? अरे नहीं नहीं बाबा जानी, ऐसी कैसे बातें कर रहे हैं? आप कैसे मर सकते हैं बगैर वसीयत लिखे? अच्छा बकवास बंद कर, बदतमीजी ना करो। तुम ऐसा करो, मेरे चाय बनवा दो, जानी को बोलो। हाँ बाबा जानी, जानी ओ जानी, बाबा जानी के लिए चाय ला। बाबा बैठे ना, बाबा जानी बैठे।
और बताएं बाबा जानी कैसे आना हुआ, गांव के हालात कैसे हैं? बाबा क्या हालात है? हालात ये है बेटा कि आजकल गांव में भैंसे बहुत चोरी हो रही है यार। अरे वो आ गया बाबा, कैमरा मैन आ गया। अरे बाबा कैमरा मैन क्यों आ गया है? मेरा इस्तकबाल करवा रहे हो तुम? अरे बाबा जानी असल में शहर में भी बहुत चोरियां हो रही हैं बाबा, इसलिए चोर को पकड़ने के लिए ना हम घर में कैमरे लगवाए। बच्चू तू बस बच्चू ही रहेगा। अरे बाबा जब कैमरा मैन को चोर देखेगा तो चोरी वरी कैसे करेगा? बाबा सही, ये वैसे कैमरे नहीं है, खुफिया कैमरे होते हैं, नजर ही नहीं आते, बस रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। अरे वाह, फिर तो मेरे गांव में लगवाओ यार, सारे बाड़ों में लगवाओ ना। भाई मुझे और भी जगहों का काम तमाम करना है, और मेरा मतलब है काम करना है, तो बता कैमरे किधर लगेंगे? अब पूरे घर में सिवाय बाथरूम के। चले सब 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 घर वाले बाहर जाएं। चले क्यों बाबा, बाहर क्यों जाना है? अरे काम शुरू करना है ना बाबा, मुझे तो ये कोई काम का आदमी लगता है। बाबा जरीना, बाबा बाहर आ जा, कैमरा मैन आया बाबा। अरे बाबा क्या हो गया, बार बार मुझे क्यों बुला रहे हो? अरे बाबा सही आप फिर आ गए। बोलो तो चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं बाबा, अपने मुंह से बोलना भला अच्छा थोड़ी लगता है। कह रहे सब बाबा खुफिया कैमरा लगाने वाले हैं चोर पकड़ने के लिए। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो भाई मेरे कमरे में ऐसा कैमरा लगाना ताकि मेरा मेकअप साफ साफ नजर आए। भाई साहब आप इसकी बातों पर तवज्जो ना दें और आप प्लीज काम शुरू करें। मैं इसके साथ रहूं? खबरदार बाबा तुम हमारे साथ रहेगा। पहले मेरे गाँव चलो बाबा, मैंने अपने भैंसों के बाड़े में पहले कैमरा लगवाना है। ना बाबा साई ना, क्या हो गया बोला बेनुसो ने कौन सा ड्रामे में काम करना है, पहले गांव में कैमरा लगा दो, अजीब बातें करते हो आप। बाबा तेरे को अपनी भैंसों की कोई परवाह ही नहीं है? अरे बाबा सही ऐसी बात नहीं है, काम करती है, पहले यहाँ की कैमरे लगा ले पूरे घर में, उसके बाद आपके साथ इसको ना मैं भिजवा दूंगा गाँव, बस अब ठीक है खुश है। बाबा आप काम करो अपना और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बाबा, आए चलो बाबा। अच्छा चलो बात सुने, एक गिलास ठंडा शरबत शाबाश दिल्ली से ले आओ। ये बताओ तुम वलीमे में आए हो या कहाँ? सुबह से मैं देख रहा हूँ इधर से उधर उधर से इधर, काम पे कोई तवज्जो नहीं, हिले जा रहा है, शरबत पिला दो, काम करो यार। अरे यार ये कैसा कैमरा मैन है बाबा, हमको कहीं बैठने ही नहीं दे रहा। चलो चलो सब बाहर चलो, चलो निकलो। ओहो क्या तुम हमें तंग करने के लिए आए हो यहाँ पे? अरे बाबा कैमरे भी तो आप ही ने लगवाने थे ना, तो इसीलिए हमारी जिंदगी खराब क्यों करती है? भैया आप मुझे काम करने दो, अगर आप लोग ताउन नहीं करेंगे तो मैं गांव चले जाऊंगा। अरे बाबा तुम भला फिर कौन से गांव से हो? नहीं तो मैं तो इनके साथ गांव जाने की बात कर रहा हूं। बाबा मैंने कहा था ना तुम लोगों को ये काम का बंदा है, अच्छा तुम चलो मेरे साथ गांव चलो। एक मिनट, अरे बाबा तुम चुप करो। साहब मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम भी चुप करो जानी। चलो भाई चलते हैं ये काम करने। चल चलो बाबा जा, जा भाई तुम कैमरे लगा दो खुदा का वास्ता। जाओ बाबा से जा, जा बाबा बगैर चप्पल के चले जाओ बाबा जाओ। भाई चाय मिलेगी? हाँ हाँ मिलेगी। एक काम करो यहाँ से बाहर निकलो, सीधे हाथ पे मुड़ना, सीधे हाथ से मुड़ते ही उल्टे हाथ पे मुड़ना, फिर सीधा चलना है, सामने आएगी दीवार उसको कूदना, बस वहीं पे मिल जाएगी। मैं समझ गया होटल है। नहीं नहीं कब्रिस्तान है, वहां जाके दफन हो जा तू। हैं? हाँ और क्या। अरे जानी बाबा बकवास बंद करो बाबा, जाओ चाय लेकर आओ। बच्चों में मैं क्या रहूं इसकी हरकतें। जानी जितना बोला है ना बाबा जाओ उतना करो। क्या जाओ बाबा चाय आती है, आप काम शुरू। मैं जल्दी जल्दी करो बाबा, पहले काम नहीं हो रहा है। बाबा तुम लोग परेशान ना हो, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं पहले गांव ले जाता हूँ, अपनी भैंसों के बाड़े में से कैमरा लगाता हूँ, इस तरह से आप लोगों की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। अरे बाबा जानिए हमें माफ करें बाबा, हमें कुछ दिन परेशान भी रहने दें। हाँ ना बाबा सही, पहले यहाँ पे कैमरे लगाने दो ना भला। बड़ा ही अजीब बात हुई। क्यों भाई अब क्या हुआ? मैं चाय लेके अंदर गया, बेड पे मजे से लेटा हुआ और फोन पे बातें कर रहा। बच्चू ये कैसा बंदा ले आया हो तुम? अरे बाबा चाय पीने के लिए रुका होगा ना, अब कमरे में सिर्फ बिस्तर पड़ा है तो उसी पे बैठेगा, नीचे तो नहीं बैठेगा ना। अरे बाबा मेरे अदा ने ठीक तो कहा।
अच्छा तो ये काम कैसे खत्म होगा? जब दुनिया खत्म हो जाएगी शायद। मुझे तो लगता है शाम ही हो जाएगी ये सब कुछ होते होते। तब तक हम क्या करेंगे? हमें तो एक जगह बैठने नहीं दे रहा, हम बैठे कहाँ आखिर? अरे पापा मैं तो कहती हूँ कि आज हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं शाम में। करीना पहली दफा तुमने जिंदगी में कोई अच्छी बात की है, ये आइडिया अच्छा। चलो चलो सब कहीं घूमने चलते। पर जानी तुम यहीं रुको। क्यों भाई? पूरा घर उसके हवाले तो नहीं करके जा सकते ना? नहीं बाबा नहीं, जानी को तो मैं वैसे भी अकेला नहीं छोड़ूंगा घर पर। क्या बचवा, ऐसी भी क्या बात हो गई? हाँ बाबा आदा बिल्कुल सही कह रहा है, जानी हमारे साथ चलेगा तो घूमेगा फिरेगा ज्यादा मजा आएगा, है ना जानी? चलो बाबा। मेरे ख्याल से मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं नहीं चलो फिर सभी चल। चलो बाबा चलो। आओ जरीना आओ, चलो चलो जानी चलो, निकलो बाबा निकलो। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। आ जाओ भाई आ जाओ बाबा। यार वो बच्चों बात सुनो, मैं वापस गांव जा रहा हूँ भाई, मैं फिर वापस आऊंगा और उस कैमरा वाले को लेके जाऊंगा। लेकिन बाबा जानी अभी तो हम घूमने जा रहे हैं ना। बाबा तुम लोग घूमने जाओ ना, मैं घूम के क्या करूंगा, बस मैं वापस जा रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ। अच्छा जैसे आपकी मर्जी। हाँ, मैं जा रहा। चलो हम घूमने चले बाबा। कैमरा वाले किधर है भाई? अरे बाबा ये किधर गया कैमरामैन? अरे कैमरामैन बाबा तू है किधर? अरे बाबा किधर है कैमरामैन? बाहर निकलो, किधर हो तुम? अरे बाबा तुम इधर छुपे हुए हो। अच्छा तुम ऐसा करो, ये सारा काम छोड़ो, बस तुम मेरे साथ गांव चलो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, डबल। हाँ चलो भाई, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। अरे बाबा ऐसी बात मैंने कभी की कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ? देखो मेरे गांव चलोगे तो वहाँ मेरी हवेली है, बाड़ा है, ओताक है, वहाँ सब जगह पे चल के कैमरा लगाओ, मैं तुमको अच्छे खासे पैसे दूंगा यार। नहीं मैं नहीं जा रहा। मैं अरे रहने दो, क्या चलो तुम मेरे साथ। अरे बाबा तुम आओ तो आओ। कैमरे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे घर पे। अरे बाबा खुफिया कैमरे हैं, नजर कैसे आएंगे? जानी हाँ बाबा अंदर जाओ, जाकर देखो काम खत्म हो गया है। गेट ये एंट्रेंस पे तो लगा था। बाबा बताया था उसे कि यहाँ लगाना है। अच्छा क्या हो गया बाबा, क्या हो गया? अंदर तो कोई है ही नहीं है? बाबा सारे कमरे देखे हैं। हाँ मुझे तो पहले ही वो मशकूक लग रहा था, मुझे लगता है भाग गया। ओ भाई चलो अंदर चल के चीजें देखो। भूख लग रही है ना, चाय पिए ना नाश्ता। जानी नाश्ता तो लगा दो। जानी ऐसा करो मेरे लिए पराठा नहीं बनाना, तीन रोटियां बना लो, वही मैं डाइटिंग कर रही हूँ। अरे जानी बाबा तुम अभी तक यही घूम रहे, नाश्ता नहीं बनाया क्या? ऑफिस के कामों में मसरूफ था, बस बनाता हूँ अभी। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है जानी, पहले भी तू उस कैमरे वाले को चोर कह रहा था। बच्चू साहब एक बात तो है, गड़बड़ तो निकली ना, भले वो चोरी ना की उसने लेकिन धोखा देके भागा तो है ना। मुझे बात समझ नहीं आई, अगर उसको काम नहीं आता था तो बता देता हूँ, चुपचाप भाग क्यों गया? सही बात है बाबा। अरे बाबा सही क्या हो गया है, सब खैर तो है? अरे बाबा बस क्या बताऊं बाबा, तुम लोगों के पीछे मैं उस कैमरा वाले को छुप के गाँव लेके गया बाड़ों में कैमरा लगाने के लिए। बाबा जानी आपने हमें धोखा दिया ना। कितनी बुरी बात है भला। ओ ये सब छोड़ो बाबा, से ये बताए रो क्यों रहे? अब तो काम हो गया है ना, वो वापस आके हमारा काम कर देगा। अरे बाबा वो चोर निकला, वो गांव में कैमरा लगाने के बहाने हमको बोला कि हवेली से बाहर निकल जाओ, बाड़े से बाहर निकल जाओ। हम निकल गए, वापस आए तो न हवेली में कुछ था और न बाड़े में कुछ बचा भाई। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी बनी। बहुत अच्छा हुआ बाबा सही आपके साथ। शुक्र है अल्लाह पाक हम तो बचे इस नुकसान से। मैं तो पहले ही कहता था मशकूक आदमी। और बाबा तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने कितनी दफा बताने की कोशिश की लेकिन बच्चू भाई ने मना कर दिया। अच्छा हाँ ना। अच्छा ये बताओ ये लाया कौन था? ये पिंक वाला बच्चू। क्या नाम है आपका? शोला। तो इसमें रोने की क्या बात है, नाम तो नाम होता है। कजिन बहन ना, मतलब खालाजाद मामूजाद फूफीजाद। हाँ 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 वैसे बहन ठीक है।
ऐसे भी रहे तो बेहतर है। चलो शोला, क्या फजूल बातें सुन रही हो? जानी हमने तुमको कभी मुलाजिम नहीं समझा और मैंने कभी आपको मालिक। क्या मतलब है बाबा? अबे कहाँ का बदमाश है तू? छोड़ दे अपनी बेगम को, यहाँ जबरदस्ती नहीं चलने वाली। हाँ अबे तू मुझे अभी जानता नहीं है। अरे बाबा मेरे को तो कोई गड़बड़ लगती है। बाबा कैसी गड़बड़? अरे बाबा देख नहीं रहे हो अपनी कजन को? वो बाहर नहीं निकाल रहा है, मुस्तकिल अंदर ही जा रहा है। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जो नो करवो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा। बैठ न जाए